देखते हैं कि छोटे अबाकस के ऊपर आपको पेंसिल कैसे पकड़नी है और अबाकस कैसे ये आपकी पकड़नी है। पेंसिल पेंसिल तो आपकी हैंड फैन से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी पेंसिल बड़ी होगी तो आपको बीड्स रीड करने में और नंबर रीड करने में प्रॉब्लम आएगी। तो ये है आपकी पेंसिल। आपको नीचे वाले ये थ्री फिंगर से पेंसिल को ऐसे होल्ड करना है। इंडेक्स फिंगर और थंब हम यूज करेंगे अबाकस के। अभी आपको अबाकस पकड़ना है लेफ्ट हैंड से। तो लेफ्ट हैंड के ये दो फिंगर्स आपको छोड़ने, वी बना के, और नीचे के थ्री फिंगर्स से आपको अबाकस होल्ड करना है। ये थंब और नीचे के दो फिंगर से हमने अबाकस होल्ड किया। ये वी है, वी फॉर विक्ट्री। अभी आपको दिख रहा है कि अबाकस पूरा स्क्रम्बल्ड है, तो हम उसको देंगे जीरो वैल्यू। जीरो वैल्यू देने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो इंडेक्स फिंगर है और ये थंब है, इससे हम इस डिवाइडर को पकड़ के आगे लेके जाएंगे। ये हो गया जूम। फर्स्ट टाइम आपको नहीं आएगा, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आएगा। तो अभी अबाकस की वैल्यू बन गई जीरो। अभी हम ऐड करेंगे और लेस करेंगे राइट हैंड से अबाकस के ऊपर। ये है आपका, ये आपका यूनिट पॉइंट है शॉर्ट डॉट। यहाँ पे हम 1 to 9 नंबर्स को ऐड और लेस करेंगे विथ योर राइट हैंड। आपकी पेंसिल आपके हाथ के पंजे से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। एड वन करने के लिए हम थंब से 1 बिट को ऊपर करेंगे। ये टच हो गया डिवाइडर को, ये हो गया एड वन। माइनस वन करने के लिए इंडेक्स फिंगर से 1 बिट को डाउन करेंगे। ये हो गया माइनस वन। ये एड टू बाय थंब, माइनस टू बाय इंडेक्स फिंगर, एड थ्री बाय थंब, माइनस थ्री बाय इंडेक्स फिंगर, एड फोर बाय थंब, माइनस फोर बाय इंडेक्स फिंगर हमने ऐड कर लिया। ये 5 है, ये ऊपर है, इंडेक्स फिंगर भी हमारा ऊपर है। तो हम ऐड 5 एंड लेस आई के लिए इंडेक्स फिंगर यूज करेंगे। ये हो गया ऐड 5। उसके बाद सेम फिंगर से, इंडेक्स फिंगर से 5 को अप करेंगे। ये हो गया माइनस 5। 5 नीचे आएगा तभी ऐड होगा। अभी 5 के बाद 6। 6 के लिए हम ये दो फिंगर्स यूज करेंगे, इंडेक्स फिंगर और थंब। 5 एंड 1 को एक साथ इन चेंज करेंगे, इन किया। ये हो गया ऐड 6। माइनस 6 के लिए 5 एंड 1 को हम आउट करेंगे, स्प्लिट करेंगे। ये हो गया माइनस 6। एड 7 करने के लिए इंडेक्स फिंगर एंड थंब, दो फिंगर से हम 5 एंड 2 को इन करेंगे। माइनस 7 करने के लिए 5 एंड 2 को स्प्लिट करेंगे इंडेक्स फिंगर एंड थंब से। अभी एड 8 करेंगे, इंडेक्स फिंगर एंड थंब, 5 एंड 3 को इन किया। ये हो गया एड 8। माइनस 8 ये दो फिंगर से। ये एड 9, 5 एंड 4 इन किया, ये हो गया एड 9। माइनस 9 करने के लिए 5 एंड 4 को आउट करेंगे, ये हो गया माइनस 9। अभी 10 स्लॉट के ऊपर आपको लेफ्ट हैंड यूज करना है। ये इंडेक्स फिंगर और ये मिडल फिंगर। इंडेक्स फिंगर हम यूज करेंगे 10 20 ऐड करने के लिए, 10 to 40 ऐड एंड लेस करने के लिए, 50 के लिए मिडल फिंगर। अभी ऐड 10 करना है तो 1 बिट को हम ऊपर करेंगे, टच किया, ये हो गया 1 0 10। माइनस 10 करने के लिए इंडेक्स फिंगर, एड 20 करने के लिए इंडेक्स फिंगर, माइनस 20 इंडेक्स फिंगर, एड 30 इंडेक्स फिंगर, माइनस 30 इंडेक्स फिंगर, एड 40 इंडेक्स फिंगर, माइनस 40 इंडेक्स फिंगर, 50 के लिए मिडल फिंगर, एड 50 एंड सेम माइनस 50 के लिए मिडल फिंगर। अभी एड 60 के लिए 50 एंड 10 को इन करेंगे बोथ फिंगर से। ये होगा एड 60 और ये होगा माइनस 60। ये एड 70, माइनस 70, एड 80, माइनस 80, एड 90 एंड माइनस 90। अगर आप लेफ्टी रहेंगे तो आपकी पेंसिल बड़ी होनी चाहिए और आपको पेंसिल ऐसे होल्ड करना है, ये रिंग फिंगर और थंब में पेंसिल को होल्ड करना है। राइट हैंड में इरेजर, शार्पनर कुछ भी आपको होल्ड करना है। ये दो फिंगर हम जैसे यूज कर रहे थे वैसे यूज करना है। और जैसे हम लेफ्ट राइट पर्सन ने होल्ड किया था अबाकस को, सेम वे आपको लेफ्टी पर्सन को पेंसिल को ऐसे होल्ड करके अबाकस पे आपको फिंगर्स यूज करने हैं।